हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी प्लांट को हमें जानना है कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी बातों को देखा कि प्लांट कैसे स्टैंड करते हैं, यानी हमने वहाँ पे प्लांट में दो सिस्टम थे ना, एक रूट सिस्टम एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हमने देखा, रूट का काम क्या होता है, प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखना, उनको बचाना, किससे, वाटर से, एक्सेस वाटर से, या जब क्या हो विंड से, इन सब से उनको प्रोटेक्ट करना है और प्लांट को स्ट्रेट खड़ा करना है, और साथ ही साथ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों ने देखा था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है शूट सिस्टम, यानी जो अबव द ग्राउंड वाला पार्ट है प्लांट का, उसकी बात अब हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्लांट है, अगर हमारा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लांट बना दिया और ऐसे से जो प्लांट है इसकी रूट हो गई, तो ये शूट पार्ट है, तो इसमें क्या है, इसमें लीव्स भी हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, इसमें आपके फ्लावर भी हैं, ठीक है, और क्या है, इसमें आपकी स्टेम भी है। ठीक है, मैंने ऐसे जनरली बना दिया बस खाली समझाने के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टेम। तो हम लोग इसमें स्टेम की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, स्टेम यानी कि उसका तना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है कि जो उसका शूट में क्या है, आपका स्टेम है। स्टेम क्या है, शूट, स्टेम इज द मेन शूट ऑफ ए प्लांट, यानी किसी भी प्लांट का क्या है, जो शूट पार्ट का सबसे मेन पार्ट कौन है आपके प्लांट का, वो है स्टेम। इट कीप्स द प्लांट अपराइट, वो क्या करता है, प्लांट को अपराइट कर रखता है, एंड बेयर्स फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स, और उसी में क्या होते हैं, सब अटैच होते हैं, कौन, फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं, लीव्स हैं, उसी से सब अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे चैप्टर में क्या बताया गया, वी कैन क्लासीफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द शूट। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट को हाइट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन बातें हम यहाँ देखते हैं प्लांट से रिलेटेड, क्या है, जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें उनको, प्लांट्स को, तो हम तीन तरह से देख सकते हैं, एक है हर्ब्स, एक है शर्ब्स, एक है ट्री। हर्ब्स क्या है, अब सबसे पहले हमें ये समझना है, हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम, लीव्स, एवरीथिंग, सब कुछ क्या हो, ग्रीन कलर का हो, और साथ ही साथ वो बहुत स्मूथ होते हैं। तो आपकी बुक में जो लिखा गया हर्ब्स, इफ द प्लांट हैज ए ग्रीन टेंडर स्टेम एंड इफ इट इज शॉर्ट, और क्या होगा, ग्रीन कलर में होगा, ठीक है, और साथ ही क्या होगा, ये शॉर्ट होगा, छोटा होगा, ऑलमोस्ट ऑफ योर हाइट, यानी कितनी हाइट तक हो सकता है, मैक्सिमम आपकी हाइट तक का, ठीक है, वी कॉल इट ए हर्ब्स, उसको हम क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। ठीक है, हर्ब्स जनरली हैव देयर ओन फ्लेवर एंड एसेंट एंड आर देयरफॉर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस और एज स्पाइसेस। कैन यू नेम ए फ्यू स्पाइसेस यूज इन योर किचन, आस्क योर मदर फॉर हेल्प। प्लांट बेयरिंग ग्रेन्स आर ऑल्सो हर्ब्स, जिंजर, गार्लिक, फेनल यानी सौंफ, वीट, राइस आर ऑल हर्ब्स, हर्ब्स डू नॉट हैव एनी ब्रांचेस। तो आपके इस चैप्टर में जो हर्ब्स के बारे में बताया गया है वो क्या है, कि हर्ब्स साइज में छोटे होते हैं, मैक्सिमम आपकी हाइट तक के हो सकते हैं। हमारे किचन में बहुत से हर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो स्पाइसेस हैं यानी जो मसाले हैं, उसमें आपका काली मिर्च है, ठीक है, जिंजर है, और गार्लिक है, फेनल है, वीट है, राइस है, ये सब हम क्या है, ये आपके हर्ब्स में आते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है बनाना लॉन्गेस्ट। तो दुनिया में यानी ऑल ओवर इन द वर्ल्ड बनाना जो है, यानी जो केला है, वो सबसे बड़ा क्या है, हर्ब्स है, क्योंकि आप केला देख सकते हैं, केले का जो ब्रांच होता है वो भी ग्रीन, स्टेम भी ग्रीन, उसकी लीव्स भी ग्रीन, यहाँ तक कि उसका फ्रूट भी ग्रीन है, और वो क्या है, सबसे बड़ा हाइट का होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हर्ब्स है। तो ये एक आपको जानना है, आपके बुक में इनसाइट में भी ये बात बताई गई है। तो ये रही हर्ब्स के बारे में जो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, अब हम देखेंगे शर्ब्स।
सब्स क्या होते हैं? प्लांट्स हैविंग ए हार्ड बट थिन स्टेम आर कॉल्ड सब्स। यानी सब्स वो होते हैं जिनकी क्या होती है, जिनकी जिनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है, बट ये भी क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं, ये हर्ब से थोड़ा लॉन्ग हो सकते हैं। दे आर टॉलर देन हर्ब्स, ये क्या है, टॉलर है, सॉरी यहाँ पे टॉलर है, ये छोटे होंगे किसे, हर्ब्स से, सॉरी दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्री, ये आपके हर्ब्स से बड़े होंगे बट ट्री से छोटे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, तुम मेरे द्वारा गलत निकल गया, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे जो हर्ब जो सर्ब्स हैं वो आपके हर्ब से टॉलर यानी बड़े होते हैं बट ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में लिखा हुआ है दे जनरली ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस से ही आगे बढ़ती है, जैसे जो लेमन आपने नींबू का जो सामान्य पौधा है उसको आपने अपने अगल बगल जरूर देखा होगा, तो आप उसको देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्व्स है जिसकी स्टेम क्या है, हार्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस ये बेस से ही इसकी ब्रांचेज स्टेम से इसके निकलने लगती है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और आपकी बुक में बताया गया है लेमन हिबिस्कस एंड कॉटन आर ऑल सर्व्स, हिबिस्कस यानी आपका जो गुड़हल है उसकी बात की गई है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी आपका क्या है, एक सर्व्स है। और साथ ही साथ कॉटन, कॉटन की बात आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में की थी, ठीक है, नेचुरल फाइबर जो चैप्टर था उसमें आपने की थी ना, कॉटन, कॉटन आपको प्रोड्यूस हो रहा था उसके सीड से, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सर्व्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने हर्ब्स को देखा, सर्व्स को देखा, ये बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं और इनकी हाइट आपकी जितनी हाइट तक हो सकती है, जो सर्व्स होते हैं वो इनसे टॉलर होते हैं और उनमें जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री, ट्री हमारे अगल बगल हम बहुत से ऐसे ट्री देखते हैं जिनकी हाइट क्या होती है, जो इन दोनों से हायर अमाउंट में होते हैं, यानी उनकी जो हाइट है वो इनसे ज़्यादा होती है। तो प्लांट्स विच आर टॉल एंड हैव ए थिक वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज, यानी ऐसे प्लांट, ऐसे ट्री उनको कहते हैं जिनकी क्या होती है, वुडी स्टेम होती है, यानी चौड़ी उनकी जो स्टेम है वो चौड़ी होगी, उसमें क्या है लकड़ियाँ जैसे आपको जो उनसे प्राप्त होती हैं, जैसे आम है, नीम है, ठीक है, कटहल है। तो मेन स्टेम, द मेन स्टेम इज वेरी थिक एंड कंटेन्स ब्रांचेज, इनके पास क्या है, जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, एंड कंटेन्स मैनी ब्रांचेज, और उसे ब्रांचेस अटैच होती हैं, ओके। इट इज कॉल्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक ऑफ द ट्री कहते हैं, ठीक है। मैंगो, बनियान, पीक आर ऑल ट्रीज, जो मैंगो है, बनियान ट्री है, और आपका टीक, टीक यानी देवदार जिसको बोलते हैं, वो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सम ट्रीज लाइक कोकोनट एंड पाल डू नॉट हैव ब्रांचेस, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिनके पास क्या होता है, ब्रांचेस नहीं होती, जैसे कोकोनट का जो पाल है उसके पास भी नहीं होता, पाम, ठीक है, पाम आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, पाम आइलैंड कहाँ पे है, ये आपका दुबई में बना हुआ है, ठीक है। तो आप कॉटन और पाम, ये दो ऐसे ट्री हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास ब्रांचेस नहीं होती हैं, जनरली वो आपने देखा होगा, तो कैसे दिखते हैं, ये ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे पेड़ हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, बस ऐसे ही रहते हैं ना, तो ये आपके कौन से हो गए, कोकोनट हो गए या पाम ट्री हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा हर्ब्स को, सर्व्स को, ट्री को। हर्ब्स क्या है, इनकी स्टेम क्या है, ग्रीन कलर में है, और साथ ही साथ इनकी हाइट आपकी हाइट जितनी हो सकती है। सर्व्स को देखा, सर्व्स की क्या है, इनकी स्टेम हार्ड होती है और इनमें जो है बेस से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं, और इनकी हाइट जो है हर्ब्स से टॉलर होते हैं बट ट्री से स्मॉलर होते हैं। ट्री जैसा कि आप ट्री के बारे में जानते हैं, जो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो आपके ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो आपकी बुक में प्यारे बच्चों इतनी बातें ये बताई गई हैं। साथ ही साथ एक्टिविटी नंबर 2 है, इन दिस एक्टिविटी यू कैन आल्सो सी सम प्लांट्स अराउंड अस। टारगेट है आपका, यहाँ पे एम है टू नो टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी आपको प्लांट्स के टाइप फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए, कुछ यहाँ पे नाम आपको लिखने हैं, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ठीक है, और उनकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइप्स ऑफ स्टेम उनकी फाइंड आउट करनी है, और उनका टेंडर या हार्ड बट थिन है या थिक है या वुडी है इसको फाइंड आउट करना है, कलर ऑफ स्टेम फाइंड आउट करना है, अटैचमेंट ऑफ ब्रांचेस फाइंड आउट करना है, और एट द बेस और हाई अप टाइप ऑफ प्लांट, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। यू कैन ऐड मैनी मोर प्लांट्स टू दिस लिस्ट, और आप यहाँ पर और भी प्लांट्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2 आपको डन करनी है। एक्टिविटी 1 मैंने पहले ही आपको बताया था, जो कि आपके रूट सिस्टम से बिलोंग कर रही थी। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 है, ये बिलोंग कर रही है आपके रूट सिस्टम के स्टेम वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली स्टेम यानी तना को देखा, तने को देखते समय हम लोगों ने ये देखा जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लासीफाई अगर हम करें तो 3 टाइप, एक हर्ब्स, एक सर्व्स, एक ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बस इनके स्टेम की बात कर रहे हैं। तो हर्ब्स की जो स्टेम है वो स्मूथ होती है, ग्रीन कलर की होती है, सर्व्स की स्टेम हार्ड होती है बट थिन होती है, और जो ट्री है उनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती है और थिक स्टेम होती है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देखा, और हमने ये भी देखा जो हर्ब्स है उसमें सबसे बड़ा हर्ब्स क्या है, बनाना सबसे बड़ा है, और सब्स में हमने देखा जो हमारे अराउंड दिखते हैं जैसे लेमन है, जिंजर है, ये सब है, ठीक है, सॉरी जिंजर इसमें नहीं है, जिंजर आपका हर्ब्स में है। उसके बाद ट्री में हम लोगों ने देखा मैंगो या बहुत से ऐसे ट्री हैं जो आपके अराउंड अवेलेबल हैं उनको आप देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी स्टेम का क्या फंक्शन है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यू माइट हैव फाउंड दैट देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, दे आर नॉट अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे हैव थिक वीक स्टेम्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रेपर्स, गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, मिंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेपर्स। क्रेपर्स यहाँ पर क्रेपर्स जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो लौकी है, कोहड़ा है, उनको आपने अपने घर पर देखा होगा ना, वो कैसे होते हैं, वो जैसे जैसे किसी का घर है तो वो बांध देते हैं, जो लताएं होती हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है, जैसे सेम का हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनको हम लौकी क्या करते हैं, आप किसी जगह उसको अटैच कर देते हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है उस पर चढ़ जाती है, तो आपके क्रेपर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर स्टिल सम अदर प्लांट्स विच हैव थिक स्टेम एंड नीड सपोर्ट द क्लाइंब ऑन देयर ट्रीज और वॉल्स, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। हैव यू एवर सीन ए मनी प्लांट, विच टाइप ऑफ स्टेम डज इट हैव, फाइंड आउट हाउ इट होल्ड्स टाइट टू इट्स सपोर्ट, क्रेपर्स डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स बाई विच दे क्लिंग टू नेवर ब्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे जो क्रैपर्स हैं और क्लेम्बर्स की बात की गई है, जो क्रैपर्स हैं वो क्या हैं, क्रैपर्स में आपके बताया गया एग्जाम्पल जो मिंट का पौधा है उसकी बात की गई है, सॉरी शायद मुझसे गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे देंगे। तो जो मिंट्स हैं वो क्रैपर्स में आ गए, जो शॉर्टर होते हैं जैसे जो हम खेत में जिनको बो लेते हैं फील्ड्स में आसानी से, उनकी बात की गई है, और आपके जो क्लेम्बर्स हैं जो मैंने अभी बताया जो लौकी का पौधा है या कोहड़ा है, तो इस तरह के पौधों को हम क्या करते हैं, इनको हम सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं इनको, ठीक है। तो इनकी बात यहाँ पर ये की जाएगी कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ये आपके क्लिपबर्स हैं, ठीक है, जैसे मनी प्लांट, ओके। नेक्स्ट आपके बुक में जो बताया गया फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के क्या फंक्शंस हैं, स्टेम यानी जो तना है उसका क्या फंक्शन है, आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टेम कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड बेयर्स द लीफ। जो स्टेम है वो क्या करता है, वो प्लांट को स्ट्रेट खड़ा करता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा करना, एंड बेयर्स द लीव्स
फ्लावर्स एंड फ्रूट, और उनमें क्या होता है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं, लीव्स उससे अटैच होती है। इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सपोर्ट, ये क्या है, मुख्य भाग है किसका, प्लांट का, ठीक है, जो इनको सबको उनके और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, जिसमें आपका लीफ है, ठीक है, फ्रूट है, फ्लावर। नेक्स्ट बात बताई गई है, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू इट्स लीव्स, और स्टेम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को जो है सॉइल से एब्जॉर्व करके स्टेम के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो जहां पर फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट के थ्रू। नेक्स्ट बात बताई गई, स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो मैंने अभी बताया, स्टेम कंडक्ट करता है फूड को फ्रॉम द लीव्स, कहाँ से, लीव्स से, और वो उसको स्टोर करता है ऑर्गन्स में, और उनको क्या करता है, जहाँ पे ग्रोइंग रिक्वायरमेंट है वहाँ उनको सप्लाई करता है, तो वो भी आपके स्टेम का काम है। ग्रीन स्टेम्स कैन आल्सो मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, ठीक है, जैसे आपका आपका कौन सा प्लांट है, कैक्टस, कैक्टस का जो प्लांट्स होता है उसकी जो स्टेम है वो लीफ होती है, उनमें सॉरी ग्रीन होती है, उनमें लीफ नहीं होती है, लीफ की जगह क्या होता है, स्पाइंस होते हैं, उसमें नीडल्स होती है, ठीक है, कांटे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, जो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, जैसे मैंने भी कैक्टस की बात की, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डन करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा, जहाँ पे क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाते हैं प्लांट के लिए, 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पे सन की लाइट, सनलाइट और प्लांट में जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, उसके थ्रू ये क्या बनाते हैं अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6, ठीक है। प्लस ओके, यानी ऑक्सीजन गैस, यहाँ जो गैस होता है हम ऐसे इसको सिंबल बना देते हैं, इसका मीन्स ये गैस है, 6, 6, 12, ठीक है, और क्या बनेगा, प्लस 673। तो ये बात फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू आपकी होती है, ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो आपके बुक में बताया गया, इफ़ यू ऑब्जर्व द एंड ऑफ स्टेम इन द अबव एक्टिविटी यू विल सी दैट द एंड लुक एज सो इन फिगर। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 है, तो एक्टिविटी नंबर 3 में आपको एक पॉट में कलरफुल वाटर रखा गया है, उसमें एक फ्लावर है उसको डाला गया है, ब्लॉसम फ्लावर, और क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि जो ब्लॉसम फ्लावर है उसमें जो रेड कलर का हमने उसमें मिक्स कर दिया है वाटर में, वो उसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा अपने स्टेम के थ्रू, तो उसके फ्लावर में वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, तो जितनी बात मेरे द्वारा आपको बताई गई है, मेन टॉपिक आपका है सूट सिस्टम में स्टेम, स्टेम के बाद हम लोग प्लांट को क्लासीफाई करेंगे 3 कैटेगरी में, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री, इनको आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली सबसे शॉर्ट होते हैं और ये उनसे टॉलर होते हैं, और ये सबसे बट इससे स्मॉलर है, ट्री सबसे लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बनाना लॉन्गेस्ट हर्ब्स है, इस बात को ध्यान रखना, और होली वैसे यानी जो तुलसी है उसकी बात भी आपके बुक में की गई है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि हर्ब्स में आएगा कि सब्स में आएगा कि ट्री में आएगा, तो बेसिकली ये सब्स में आएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ स्टेम मैंने बताया कि स्टेम का फंक्शन क्या है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, और
मेरा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको इतनी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे डियर स्टूडेंट्स।